हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स पावर्ड बाय इलेक्ट्रो सब सिस्टम पुणे। मैं हूं आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का डॉक्टर चेतन कासर। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 11 इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर फर्स्ट का सिलेबस। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पेपर सेकंड का इन डिटेल सिलेबस। 11th इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर सेकंड, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड सर्किट्स। बच्चों, आपको बोल दूं कि ये वाला पेपर आपके लिए बहुत मायने रखता है। आपके पास फिजिक्स का लास्ट चैप्टर जो है, 11th फिजिक्स का लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर डिवाइस, यही हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग होगा। सो हमारे यहाँ इस पेपर में नियर अबाउट आपको स्टडी करना होगा 5 चैप्टर, जो मोस्ट ऑफ द बेस होगा आपके 11th एज वेल एज 12th इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज फिजिक्स का। बच्चों, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स की मदर ब्रांच आज भी फिजिक्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स ने खुद को इतना डेवलप कर लिया कि आज आपका इलेक्ट्रॉनिक्स की खुद की स्ट्रीम बन चुकी है। सुबह से लेकर शाम तक आप डिजिटल गैजेट्स का यूज करते हो, और यही उसकी खासियत है इलेक्ट्रॉनिक्स की। सो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना जरूरी है इसी कारण। सो हमें सबसे पहले बेसिक सीखना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप कैसे हुआ, किस लेवल से हुआ। सो ये जो स्टडी होगा, इन डिटेल स्टडी, हमें इस सेशन में करना होगा, इस चैप्टर में करना होगा। आपका जो पहला चैप्टर होगा, ये पहला चैप्टर होगा सेमीकंडक्टर डायोड्स। इस चैप्टर के अंदर आपको इन डिटेल बताया गया होगा सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में, सेमीकंडक्टर के कंस्ट्रक्शन के बारे में, हाउ वी कंस्ट्रक्ट सेमीकंडक्टर डायोड्स विद द हेल्प ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। हमने डेवलपिंग की इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स से जब डिवाइड हुआ या बायफर्केट हुआ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे कैसे डेवलप हुआ, उसका बेसिक जो बेस होगा, ये बेसिक सेमीकंडक्टर है। और हमारा सबसे पहला बेसिक कंपोनेंट जो था, पहला बेसिक डिवाइस जो था, ये हमारा पीएन जंक्शन था। सो चैप्टर पेपर फर्स्ट का, सॉरी पेपर सेकंड का चैप्टर फर्स्ट के अंदर हम डिटेल स्टडी करेंगे सेमीकंडक्टर डायोड्स के बारे में, जिसके अंदर आपको सिखाया जाएगा मटेरियल कौन से होते हैं, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर कौन होते हैं, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर कौन होते हैं, एन टाइप का सेमीकंडक्टर कौन होता है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर कौन होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल कंस्ट्रक्ट कैसे होते हैं, जिसे हम कहते हैं पीएन जंक्शन। सो इसका इन डिटेल स्टडी आपको पेपर सेकंड के चैप्टर फर्स्ट में किया जाएगा। उसी के साथ आपको यहाँ पे उसकी बायसिंग कैसी होती है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड, ये भी आपको यहाँ पे सीखना होगा। और ये सब स्टडी, ये सब पैरामीटर, ये सब पोर्शन आपको एज इट इज होंगे पेपर फिजिक्स के पेपर सेकंड में, एज इट इज, यही टॉपिक आपको फिजिक्स 11 में सीखना होगे। हमारा चैप्टर सेकंड होगा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर, जिसके नाम में ही मीनिंग है, ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर। यहाँ पे रेजिस्टेंस की ट्रांसफर की जाएगी, और ये जो ट्रांजिस्टर है, ये हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिव कंपोनेंट कहलाएगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिव कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, यही हमारे डेवलपिंग के लिए बहुत मायने रखता है, इलेक्ट्रॉनिक डेवलपिंग के लिए। ट्रांजिस्टर होता क्या है कि जो आपके इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ इंक्रीज करके देता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा साउंड आपके पास इजीली आ रहा है, लेकिन जब आप बड़ा सुनना चाहते हो, लाउडली सुनना चाहते हो, तो आप स्पीकर लगाते हो। सो मेरे आवाज, मेरा साउंड की स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम आपका एम्पलीफायर करता है, और एम्पलीफायर इज नथिंग बट ट्रांजिस्टर। सो यही खासियत है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की, और ये खासियत कैसे परफॉर्म करती है, आपका ट्रांजिस्टर कैसे परफॉर्म करता है, इसका इन डिटेल स्टडी आपको यहाँ पे करना होगा। उसके बारे में उसका सर्किट डायग्राम, उसका टर्मिनल, उसके बायसिंग कंपोनेंट्स, बायसिंग मेथड्स, ऑल ऑफ दिस आर स्टडी इन दिस चैप्टर। ट्रांजिस्टर का स्टडी करते वक्त एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ट्रांजिस्टर इज नथिंग बट बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसे दो पोल होगी। लेकिन जब हम बायपोलर का स्टडी करते हैं, उसी के साथ हमें यूनिपोलर का स्टडी भी करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। बायपोलर जितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उतना ही यूनिपोलर आज के केस में इंपॉर्टेंट है।
सो बाइपोलर में बीजेटी जैसे आता है वैसे यूनिपोलर में अलग अलग कंपोनेंट रहते हैं, जैसे कि फेट जिसका नाम है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में दो पार्ट आते हैं, जेफेट आता है एक मॉसफेट आता है। जेफेट दैट इज जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट दैट इज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बच्चों आपको ये जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूँ ये डायरेक्टली आपको नोन नहीं होगे, कुछ वर्ड मैं आपको बात कर रहा हूँ तो ये आपको डायरेक्टली पता नहीं होगे। सो जैसे जैसे आप मेरा वीडियो लेक्चर देखते जाओगे आप हर एक बात क्लियर करते, आपके हर एक कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, आप हर एक बात के हर एक वर्ड के साथ फैमिलियर हो जाओगे। जैसे एक्टिव किसे कहेंगे, पैसिव किसे कहेंगे, ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन क्या है, ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांजिस्टर किसे कहेंगे, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर किसे कहेंगे, बाइपोलर किसे कहेंगे, यूनिपोलर किसे कहेंगे। सो ये सब बातें हम हमारे सीरीज में देखने वाले हैं डे बाय डे में। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम देखेंगे जो स्टडी हमने ट्रांजिस्टर किया था, जिसका बेसिक हम ट्रांजिस्टर का जो बेसिक हमने सेकंड चैप्टर में देखा था उसी का अगला पोर्शन होगा हमारा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। सो बेस के ऊपर एप्लीकेशन हमें यहाँ पे देखना होगा कि हमने यहाँ पे बेसिक देखा, हमने यहाँ पे बेसिक रॉ मटेरियल देख लिए कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके टर्मिनल क्या होते हैं, उसे कैसे बायसिंग किया जाता है, उसे एक्सटर्नल सप्लाई कैसे दिया जाता है, कैसी प्रॉपर्टी वो देता है, ये सब डिटेल स्टडी हमने कर लिया है। अब ये जो स्टडी, ये जो डिवाइस हमने कंस्ट्रक्ट किया उसका एप्लीकेशन कैसे होगा, उसको रन कैसे करेंगे, इसका इन डिटेल स्टडी और रन करते वक्त अदर जो एसेसरीज होगी, अदर जो सर्किटरी होगी उसका स्टडी हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे जिसका नाम होगा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। दोस्तों आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 4 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है जिसका नाम है ऑसिलेटर। बच्चों आपको पता है ऑसिलेटर क्या है, ऐसा सर्किट कि जो आपको ऑसिलेशन प्रोड्यूस करके दे, जो आपको कंटिन्यूअसली ऑसिलेशन प्रोवाइड करे, दैट्स इट, सिंपल टास्क। लेकिन इतना इजी नहीं है आपको ऑसिलेटर फॉर्म करना, इतना इजी टास्क नहीं है कि आप इजीली आपका ऑसिलेटर फॉर्म कर लो। ऑसिलेटर जब आप फॉर्म करोगे तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होगी, तो कौन सी कंडीशन होगी उसका स्टडी आपको यहाँ पे करना होगा। एक कंसेप्ट आता है ऑसिलेटर का जिसका नाम होता है फीडबैक। आपने सुना होगा बहुत बार, जनरल टर्म होती है फीडबैक। कहीं एक किसी होटल में हम चले गए अच्छे रेस्टोरेंट में, तो आप निकलते वक्त जब आप उसकी सर्विस लेते हो, सर्विस लेने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसे कहा जाता है फीडबैक फॉर्म। सो सेम टू सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी लगाया हुआ है, ऑसिलेटर सर्किट में फीडबैक का कंसेप्ट है यहाँ पर। तो फीडबैक का कंसेप्ट क्यों लगाया है और फीडबैक कितने हो सकते हैं, जैसे कि आप होटल के अंदर दो टाइप की फीडबैक दे सकते हो, एक पॉजिटिव भी देते हो एक निगेटिव अप्रोच वाला देते हो। सेम टू सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी लगाया है कि ऑसिलेटर सर्किट के अंदर जो फीडबैक कंसेप्ट है, ये फीडबैक दो टाइप में डिवाइड किया है, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है निगेटिव फीडबैक। सो पॉजिटिव फीडबैक हमें क्या देगा, निगेटिव फीडबैक हमें क्या देगा, और उसका इम्पैक्ट आपके ऑसिलेटर सर्किट के ऊपर क्या हो सकता है, इसका स्टडी आपको इस चैप्टर के अंदर किया जाएगा। और यही चैप्टर का बेस आपका फिजिक्स में हो सकता है, इसका जो बेसिक होगा ये बेसिक आपको 11 फिजिक्स या 12 फिजिक्स में आपको दिखाई देगा। और बच्चों लास्ट वाला जो चैप्टर है आपका जिसका नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइस और सेमीकंडक्टर वेरियस डिवाइस हम बोल सकते हैं। बच्चों हमने पेपर चैप्टर फर्स्ट के अंदर सेमीकंडक्टर डायोड देखे थे, सादा सिंपल ऑर्डिनरी डायोड हमने देखा था जिसका नाम था पीएन जंक्शन। लेकिन एक ही पीएन जंक्शन के ऊपर डायोड फैमिली कंस्ट्रक्ट नहीं हुई है, फॉर्म नहीं हुई, एक डायोड फैमिली है जिसके अंदर वेरियस डायोड आर देयर। बच्चों हमारा लास्ट चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। हमने देखा पहले चैप्टर में सेमीकंडक्टर डायोड, यहाँ पे हम देखने वाले हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। वहां पे हमने सिंगल डायोड कंस्ट्रक्ट कैसे होता है और उसका एप्लीकेशन क्या है ये देखा था, और उसी के बेस के ऊपर हमने यहाँ पर अलग अलग डायोड फॉर्म किए हैं, जैसे कि जीनर डायोड फॉर्म किया, वैरेक्टर डायोड फॉर्म किया, एवेलेंची डायोड फॉर्म किया, आपका शॉटकी डायोड किया। सो ये जो वेरियस डायोड है इन हर एक डायोड का एप्लीकेशन भी अलग अलग है। जैसे कि आपका ऑर्डिनरी डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में रन होता है, तो यहाँ पर आपका जीनर डायोड रिवर्स बायसिंग में वर्क होता है।
जैसे आपका एलईडी फॉरवर्ड बायसिंग में होता है तो आपका फोटो डायोड रिवर्स बायसिंग में होता है। सो कौन से डायोड यहाँ पे होंगे फैमिली के अंदर, ये हमें स्टडी करना है, उसका पर्पज हमें स्टडी करना है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल हमें यहाँ पे स्टडी करना है, उसी के साथ उसका इन डिटेल स्टडी, जैसे कि उसके सिंबल क्या हो गए, जैसे कि उसके एप्लीकेशंस क्या होंगे, फॉर एग्जाम्पल उसके अलग अलग टाइप हो सकते हैं तो अलग अलग टाइप किसके बेस के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। सो इन सब चीजों का इन डिटेल स्टडी हम चैप्टर नंबर 5 में करेंगे। सो बच्चों यहाँ पे मैं आपको बोल दूं कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू रिगार्डिंग टू 12th एग्जाम। तो बच्चों ये हो चुका है हमारा सिलेबस डिस्कसिंग। सो मूविंग ऑनवर्ड्स नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। हम हमारा पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर के साथ। देन इफ यू आर इंटरेस्टिंग एंड एंजॉयिंग माई वीडियो देन लाइक माई वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।